औसतना हम एवरेज एवरेज मतलब दो दो हम जैसे हमारे पास कोई दे हम चाहते हैं तो एवरेज निकाला जा सकता है तो एवरेज आप स्टूडेंट की क्लास में कितने स्टूडेंट है या स्कूल में कितने स्टूडेंट है या ऑफिस में एम्प्लॉज के वर्क के हिसाब से आप उनका एवरेज निकालना चाहते एम्प्लॉय ने कितना काम किया तो उसका एवरेज परफॉर्मेंस भी निकाला जा सकता है तो किस तरह से एवरेज निकाला जाता है एक्सेल में तो एवरेज का एक फार्मूला दिया जाता है उसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें एवरेज यूज करना है तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे हमें एवरेज का फॉर्मूला यूज करना है ब्रैकेट ओपन करना है आपसे नंबर पूछा जा रहा है चाहे आप मैन्युअली टाइप करें चाहे आपके पास जो रेंज में नंबर दे रखे हैं उनको आप यूज करें तो हम अभी मार्कशीट पे काम कर रहे हैं तो हमने मार्कशीट वाली ही रेंज सेलेक्ट कर ली देखिए हमने सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए यहाँ पे ये हमने फर्स्ट वाली रेंज सेलेक्ट कर ली है अब हमें इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम इसको क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए इसका आंसर आ जाता है सिक्सटी थ्री अगर हम मैन्युअली करते हैं मैथमेटिक्स तरीके से करते हैं तो उसका मेथड थोड़ा सा लंबा होता है जैसे वो भी हम तरीका देख लेते हैं इक्वल्स टू करना है जैसे हमने ये सारे नंबर लिए आपको ये सारे नंबर प्लस करना है चाहे तो सम का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं या प्लस का साइन लगा के भी आप उसको यूज कर सकते हैं ये हमने नंबर ले लिए एंटर करेंगे तो देखिए ये नंबर आ जाता है इस नंबर के साथ जो टोटल निकलती है उस टोटल के साथ जितने नंबर ऑफ काउंट ये दे रखे हैं जैसे सब्जेक्ट कितने हैं छे तो छे से इसका डिवाइड किया जाता है इक्वल्स टू करेंगे ये नंबर लिया डिवाइडेड सिक्स क्योंकि सिक्स है छह सब्जेक्ट है तो आगे सिक्सटी थ्री तो थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया है लेकिन अगर हम एक्सेल में इसको यूज करते हैं तो एक्सेल में क्या करता है डायरेक्टली निकाल लेता है खाली आपको एक फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले के थ्रू ये आपको एवरेज निकाल के बता देते पूरी रेंज का निकालना है तो आप रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो सभी का एवरेज निकल जाता है नेक्स्ट हम प्रोडक्ट फॉर्मूला देखते हैं प्रोडक्ट का काम होता है मल्टीप्लाई करना किसी भी दो चीजों को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे रखी है और उन क्वांटिटी के साथ एक जैसे सी डी है सात है लेकिन एक की प्राइस कितनी है सौ है तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सात जो क्वांटिटी में हमारे पास सी डी है सौ रुपये के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी कि सीडी अगर सात खरीदी है तो हमें टोटल अमाउंट कितना होगा तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल टू लगाएंगे प्रोडक्ट लिखेंगे हमने प्रोडक्ट लिखा ब्रैकेट ओपन किया दो या दो से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है इसलिए यहां पे हिंट में आपको नीचे एक्सेल में एक्सेल के फॉर्मूले में आपको ये दिखाया जा रहा है नंबर वन नंबर टू तो हमने अभी क्वांटिटी लिया सेकंड लिया प्राइस यानी क्वांटिटी और प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर दे देगा कि एक माउस अगर सौ रुपए का है तो सात माउस सात सौ रुपए के होंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के हम पता कर सकते हैं और अगर आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं आप स्टार का साइन जो आपके की में होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको इक्वल्स टू तो लगाना ही है क्वांटिटी वाली रेंज को लेना है और बीच में लगाना है मल्टीप्लाई और ये लेना है एंटर कर दिया ये देखिए एक सीपी हमने क्वांटिटी में खरीदा ये रेट था और उसकी रेट सेम में आई है क्यों क्योंकि क्वांटिटी एक है अगर हम क्वांटिटी टू करते हैं तो देखिए फार्मूला क्या करेगा उसको कैलकुलेट कर देगा कि एक की प्राइस इतनी है तो दो की प्राइस इतनी होगी तो चाहे तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको फार्मूले को यूज कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के भी आप इसको यूज कर सकते हैं और सभी के एक साथ निकालना है तो आप इसको ड्रैक करेंगे तो बाकी का भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा ये देखिए इस तरह से तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी दो रेंज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं